प्रभु यीशु कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में ईसा मसीह कहते हैं हर पेड़ अपने फलों से पहचाना जाते हैं। हम जानते हैं कि आम का फल देने वाले पेड़ को आम का पेड़ कहते हैं, केला का फल देने वाला पेड़ को केला का पेड़ कहते हैं, इसी प्रकार अंगूर, जैतून, महुआ या बीगी, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाते हैं। ईसा मसीह कहते हैं कि हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देते हैं, हर बुरा पेड़ बुरा फल देता है। आज हम लोगों के सामने यही सवाल है कि अच्छा फल उत्पन्न करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। ईसा मसीह कहते हैं अच्छा मनुष्य अपने हृदय के भंडार पे अच्छे चीजें निकालता है, जो बुरा है जो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकलता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने हृदय में जो भरा है उसी के बारे में जांच करके उचित निर्णय लेके जिंदगी में बदलाव लेके आना है। राजा दाऊद के जिंदगी को देख लीजिए, उन्होंने एक प्रकार के पाप करने के बाद पश्चाताप करके उचित निर्णय लेते हुए इंगानवा स्तोत्र लिखते हैं। इसी स्तोत्र में 12वें वाक्य में वह कहते हैं, इसी स्तोत्र में 12वें वाक्य में वह प्रभु से विनती करते हैं, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। यही बात 24वें स्तोत्र में 3रा वाक्य में कहते हैं, प्रभु के मंदिर में कौन निवास करेगा और उसी के पवित्र पर्वत पर कौन प्रवेश कर सकेगा। इसी सवाल के जवाब के रूप में स्तोत्र ग्रंथ का कहते हैं, जिसका हाथ निर्दोष हो, जिसका हृदय निर्मल हो। आइए हम सब कोई हमारे हृदय में जो भरा है उसी को जांच करके उचित निर्णय लेकर हमारे जीवन में अच्छे फल उत्पन्न करने वाले अच्छे मनुष्य बन जाए और प्रभु के अभिलाषा का पूर्ति करे। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करे। सब यीशु।